तो किसान राष्ट्रभक्त होते हैं, खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं और किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। आज किसानों की वो बदहाली है कि फांसी खाने पे क्यों। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। हमसे पहले जो भी वक्ता बोल के गए हैं, मैं उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि हक अधिकार की लड़ाई अगर ऐसे लोग नहीं लड़ेंगे तो सारा हक अधिकार छीना जा रहा है। मैं किसान होने के नाते ये भी बताना चाहता हूँ, आज किसानों के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो गया है और जो भी उनके साथ वादा किया गया सब वादा खिलाफी है। सरकार से सबको क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की कोई बात ही नहीं होती, कभी चर्चा नहीं होती। हमारे नेता भी जो पीडीए के द्वारा चुन के गए हैं, उन्होंने संविधान को हाथ में लेके शपथ लिए हैं। मौका है, आगे आने वाली 25 तारीख से सत्र चलने वाला है। आप लोग अगर संविधान की शपथ लिए हैं तो आवाम के हक अधिकार की लड़ाई की बात करिए, क्योंकि ये आपको भी भटकाना चाहेंगे। आपको भटकना नहीं, आपको सिर्फ सरकार से हमें यही अनुरोध करना है, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अगर हमारी ये छिन गई। और रही बात किसानों की, देखा जाए तो किसान राष्ट्रभक्त होते हैं, खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं और किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। आज किसानों की वो बदहाली है कि फांसी खाने पे, क्योंकि उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं, MSP कह करके फिर भी नकार गए। अब तो किसान की बात करना भी बंद हो गया, अनाज तैयार है, फसल तैयार है, कोई लेने वाला नहीं है। तो हमें सभी से अनुरोध है कि 28 तारीख को पूरी देशवासियों के हर संगठन से, हर सामाजिक संगठन से, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां गुलाम होने जा रही हैं, ये नवीन रियासतीकरण देश का शुरू हो चुका है। और इलेक्शन को पारदर्शिता लाएं, ABM को हटाएं, ABM हमारे यहां का नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव करा करके पारदर्शिता ला करके, क्योंकि संविधान में जो हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया था वह अधिकार भी हमारा छीना जा रहा है। इस सामाजिक न्याय महाकुंभ में सभी से अनुरोध है, जो हमारे पहले वक्ता मंत्री जी और प्रोफेसर साहब सभी ने आह्वान किया है, उसमें अगर आप लोग अभी भी चूक जाते हो तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब छिन जाएगी, तो बताओ आने वाले समय में हम कैसे रहेंगे। इसलिए मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही WTP और सभी संगठन का पैगाम है। अरे हम सब भारतवासी हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। सभी से अनुरोध है, एक दिन का समय निकाल करके आओ ताकि आपकी आवाज़ देश के बड़े लोकतंत्र में गूंजे। मैं सभी से आह्वान के साथ, इसी बातों के साथ, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमोद्धाय। उसका राष्ट्र संरक्षक हूँ, रिटायरमेंट के बाद मैं किसानी विश्वास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इस आंदोलन से, सामाजिक आंदोलनों से मैं जुड़ा हूँ, तो जो मुद्दे इन्होंने जिक्र किए हैं उसमें से मैं सबसे पहले प्राथमिक मुद्दा मानता हूँ कि जो बच्चों की, मासूम बच्चों की शिक्षा लेके काबिल बनाना और बीमार आदमी का इलाज कराना, हेल्थ एंड एजुकेशन गवर्नमेंट और समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ बात है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और ये है, दूसरी बात कि जो चुनाव हुए हैं, आज़ादी का सबसे बड़ा हमारा जो आउटपुट है वो वोट डाल के सरकार बनाने का है, लेकिन पिछले 8-10 सालों में हम ये देख रहे हैं कि लोगों के वोट से सरकार नहीं बन रही, इतना प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। तो ये EVM उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका में है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसमें बहुत खुलेआम बदमाशी में उतरी हुई है। इसके लिए हमें समाज को जागृत करना पड़ेगा और समाज को संगठित करके मत विभाजन को रोकना पड़ेगा। इसके लिए पिछले साल हमने चुनाव से पहले पब्लिक का एक घोषणा पत्र जारी किया था। मैं सभी लोगों से इसकी अपील करूंगा कि हम दोबारा से उसे निकाल रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, विभिन्न सेक्शन हिंदुस्तान में हैं, जाति व्यवस्था इस देश में है, वर्ण व्यवस्था इस देश में है, विभिन्न किस्म के वर्ग यहाँ हैं, किसान हैं, नॉन किसान हैं, तो उन सब के मुद्दे शामिल करके छात्रों के, युवाओं के, महिलाओं के एक कॉमन मुद्दा एजेंडा बनाया जाए और उसमें मत विभाजन रोका जाए। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करते रहता हूँ, 28 नवंबर के प्रोग्राम में हम लोग
किसान संगठनों से सबसे अपील करेंगे कि वो इसमें शामिल हों और जो ये आंदोलन जो जनता के आम मुद्दे हैं उसको लेके लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, मत विभाजन को रोका जाए और जनता में बताया जाए कि उनके जो सरकार है वो कॉरपोरेट की सरकार है, कॉरपोरेट के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक शिक्षा का भी बताया इन्होंने, मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, अठन्नी चवन्नी कुछ फीस जाती थी, मतलब कोई मान ही नहीं था फीस का, और मैं अधिकारी बना पढ़ के। लेकिन अभी हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा और डॉक्टर बने गांव में बहुत सारे लोग और अधिकारी बने, उसी वहाँ भी स्कूल में 15-16 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और जो मजदूर हमारे गाँव में रहते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं, जो कमाते हैं वहाँ दे जाते हैं, बीमार हो जाए तो अस्पताल में आप देखते हैं क्या स्थिति है। तो ये जो मुद्दे इन्होंने उठा रखे हैं, इन मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता के अभियान में आप लोग प्रेस वाले लोग हैं, आप लोगों का भी बहुत बड़ा भूमिका इसमें है, और सभी लोग जितने भी किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, औद्योगिक मजदूरों का संगठन है, छात्र और युवाओं का संगठन है, इन सबको मिलकर सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना चाहिए, मुझे यही कहना है।